छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा एनएमएनएम ओरिजिनल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, रविवार के दिन नई नई कहानियां सुनने के लिए बेताब आप सभी का स्वागत है इन कहानियों का मंत्रा। और बताइए आज लंच और डिनर के मेन्यू में क्या है? आप सोच रहे होंगे ये मंत्रा ने आते ही खाने पीने की बात क्यों छेड़ दी। भाई क्योंकि आज की कहानी ही है खाने पीने से जुड़ी हुई। कहानी है उदयपुर में रहने वाले अंकित बंसल की। देखिए साहब, अंकित बंसल को नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की सूझी, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाता वो गर्लफ्रेंड को महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने में खर्च हो जाता। तो आखिर में अंकित ने एक तरकीब निकाली। उसने सोचा जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, आदमी को कुत्ता काटता है, वैसे ही अंकित को उसकी सोच ने काटा। उसने कहा यार जब मेरे सारे पैसे रेस्टोरेंट में ही खर्च होते हैं तो क्यों ना मैं भी एक रेस्टोरेंट ही खोल लूं। एक तो बाहर खाने का पैसा बच जाएगा और कमाई होगी सो अलग। तो अपनी गर्लफ्रेंड पूजा के नाम पर अंकित ने खोल दिया पेट पूजा फैमिली रेस्टोरेंट, जहां किसी की भी फैमिली आती नहीं थी। अच्छा सा इंटीरियर करवाया, एक्सटीरियर में बड़ा सा बोर्ड लगाया, 50% ऑफ भी दिया, मगर फिर भी पूजा के सिवा कोई उसके रेस्टोरेंट में पेट पूजा करने आया ही नहीं। कि तभी लॉन्ग डिस्टेंस से मार्केटिंग में एमबीए की उसकी गर्लफ्रेंड पूजा ने एक धांसू सा आइडिया दिया। पूजा ने कहा अंकित ऐसा करो, अपने रेस्टोरेंट में कोई कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर दो। सभी करते हैं आजकल, ट्रेंड में है काफी। कंपटीशन जीतने के लालच में लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट आएंगे और फ्री में प्रमोशन हो जाएगी तुम्हारी। अंकित ने भी खुन्नस में कह दिया डार्लिंग क्या अपनी रबड़ी बेचने के लिए कबड्डी करवा दूं रेस्टोरेंट में, कबड्डी कबड्डी रबड़ी रबड़ी रबड़ी। ओफो अंकित, आई मीन खाने का कंपटीशन यार, रख दो ना कोई नई टाइप की थाली बड़ी सी, जैसे की बाहुबली थाली। उसमें तुम्हारे रेस्टोरेंट के मेन्यू में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट सर्व कर देना और कोई अच्छी सी प्राइज मनी रख देना और अनाउंसमेंट करवा देना। जो भी कोई एक घंटे में पूरी थाली फिनिश करेगा उसे मिलेंगे ₹1,00,000। एक लाख? अरे कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अरे तुम्हें कौन से देने हैं, कंपटीशन इतना टफ रख देना कि कोई जीत ही ना पाए। वाह क्या आइडिया है पूजा, मन तो कर रहा है पूजा करूं तुम्हारी। अभी के अभी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा देता हूं, आधे घंटे में खाइए हमारे पेट पूजा फैमिली रेस्टोरेंट की बाहुबली थाली और पाइए ₹1,00,000। 10,00,000? अरे कौन सा देने हैं? सोच लो अंकित, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे बहुत सोच लिया, अब तुम सोचो, सोचो कितना वायरल होगा यह कंपटीशन। आसपास से तो क्या दूर दूर से लोग आएंगे हमारी थाली खाने, कोई जीत तो पाएगा नहीं लेकिन हमारा खाना लोगों का दिल जरूर जीत लेगा। ऐसा टेस्ट ऐसी क्वालिटी अरे कहीं नहीं मिलेगी लोगों को। खाने के साथ साथ हम प्यार परोसेंगे प्यार। अरे चाटते रह जाएंगे लोग अपनी उंगलियां। बस फिर गया था, कर दिया अंकित ने उस कंपटीशन का ऐलान। सोशल मीडिया पे हो गया वो पोस्ट एकदम से वायरल। रेस्टोरेंट के बाहर ऐसी भीड़ लग गई जैसे फोकट में खाना बट रहा हो। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से लोग आते और माउथ से लेकर पेट तक भर के खाना खाते, मगर कोई भी उस बाहुबली थाली को फिनिश ना कर पाया। बड़ा अच्छा चलने लगा था अंकित का रेस्टोरेंट, लेकिन प्रॉब्लम तो तब हुई जब ये कंपटीशन की बात उड़ते उड़ते इतनी उड़ गई कि मिस्टर खलबली के दूर के चचेरे भाई के मौसेरे जवाई बली तक ये खबर पहुंच गई। 7 फीट से एक छोटी उंगली बड़ा 156 किलो का हट्टा कट्टा बली पहुंच गया उस रेस्टोरेंट में अंकित की बली चढ़ाने। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया अंकित को तो यमराज के दर्शन हो गए। बाय गॉड,
अंकित के रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे, कांपने लगा। अंकित ने सोचा, आज तो भाई लग गए पकोड़े, मतलब प्याज के पकोड़े जो अंकित सर्व करता है अपने बाहुबली थाली में वो। हाँ, अंकित ने भी कॉन्फिडेंस से सोचा कि कह देंगे उससे, हाँ भाई खत्म हो गया कंपटीशन, चलो चलो जाओ यहाँ से। लेकिन उसके पास जाते ही अंकित की सांसें फूलने लगी। वो इसलिए क्योंकि हवा से सारी ऑक्सीजन तो उस बली ने खींच रखी थी। हाइट 7 फुट है तो लंग्स भी तो बड़े बड़े होंगे ना, सबके पास एक लंग होता, उसके पास तो दो दो थे। हैं? क्या? अच्छा सभी के पास दो होते हैं? तो मेरे को क्या पता, मेरे को डॉक्टर थोड़ी ना, मैं तो सिर्फ कहानियां सुनाता हूँ यहाँ। हाँ अरे तुम कहानी पे कॉन्सेंट्रेट करो यार। तो अंकित गया तो था ये खाने की कॉम्पिटिशन खत्म करने, लेकिन बली के मस्कल्स देख कर बस यही कह पाया, प्लीज कम सर, have a seat। उसने have a seat बोला, बली ने उठ के एक सीट ही खा ली। खाली मतलब खाली, क्योंकि have a seat। जैसे ही शुरू किया बली ने थाली खाना, अंकित के दिलो दिमाग में मच गई खलबली। 15 मिनट में ही आधे से ज्यादा थाली खत्म हो चुकी थी। जैसे जैसे बली लेग पीस चबाता, अंकित को अपने लेग्स टूटने की आवाज आती। अंकित ने तुरंत ही फोन करके अपनी माँ से कह दिया, अंकित ने किचन में जाकर कुक से कहा, अरे बंद करो यार खाने के साथ प्यार परोसना, इसे तो सिर्फ खाना ही दे दो, यही बहुत है। अगले 5 मिनट में बली ने एक हांडी बिरयानी एक झटके में खा ली। अंकित ने फिर से माँ को फोन किया, माँ लगता है मंगलसूत्र भी बेचना पड़ेगा माँ। अंकित की गर्लफ्रेंड पूजा ने मौके की नजाकत को समझते हुए एक आइडिया दिया, अंकित ऐसा करो कि ये रेस्टोरेंट उनके पास गिरवी रख देना और धीरे धीरे करके चुका देना 10 लाख रुपए। अंकित गुस्से से बोला, ये रेस्टोरेंट तेरे बाप का है जो गिरवी रख दूं? नहीं 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 सॉरी, ये अंकित बोला नहीं, ये सिर्फ सोचा, बोला वो ये रेस्टोरेंट मेरे पिताजी का है जो मैं गिरवी रख दूं? अरे किराए की जगह है डार्लिंग, पिछले 2 महीने से तो वैसे भी रेंट नहीं पे किया, तुम्हारा ये आइडिया था ना ये, तुम ही निकालो मुझे इस मुसीबत से। अंकित पूजा पे बरस ही रहा था कि तभी अचानक बिजली कड़कने की जोरदार आवाज आने लगी। अंकित ने ऊपर आसमान में देखा, भाई बादल तो है नहीं, बारिश तो होने वाली नहीं, ये भी बिजली कहाँ पे कड़की? ध्यान से देखने पर पता चला कि वो आवाजें बली के पेट से आ रही थी। अचानक ही एक चमत्कार हुआ, वो बली जिसने पूरे उदयपुर में खलबली मचा रखी थी उठा और बाथरूम की तरफ भागने लगा। बाथरूम में उसने ऐसे ऐसे बॉम्ब गिराए, लग रहा था पूरा रेस्टोरेंट ही बुडूम उड़ जाएगा, बाय गॉड। और फाइनली हार गया वो कंपटीशन, और उसके जाते ही अंकित ने तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली बंद किया ये कंपटीशन। अंकित ने सोचा, वाह प्रभु वाह, इतने सालों से जो मंदिर में जाके पूजा करता आया है ये उसी का फल है। लेकिन अपनी पूजा ने मतलब अंकित की पूजा ने बताया कि ये उस पूजा का फल नहीं, ये इस पूजा का फल है। जी हाँ, उसने बली के लस्सी के ग्लास में जुलाब की गोली डाल दी थी। जुलाब मालूम है ना आपको क्या होता है? मालूम है ना वही जुलाब। भाई जो काम बंदूक की गोली ना कर सकी, कभी कभी वो काम एक जुलाब की गोली कर जाती है। मजा आ गया, कहानी खत्म, पैसा हजम, चलो जाओ भैया पेट पूजा करो। हाँ तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.